हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा सीएस के एक और एपिसोड में। और यहाँ पर एक बार फिर से हम सीएस रैंक प्लस करेंगे। एंड तुम्हें पता है कि अभी मैं ग्रैंड मास्टर कर चुका हूँ, बट यहाँ मैं रीजन के लिए पुश कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को खेलना पड़ेगा। अभी रीजन करने के लिए मेरे को यहाँ से कम डेली का 50 प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे को रीजन 400 स्टार पे मिलेगा और वहां तक जाने के लिए मेरे को इतना प्लस करना ही पड़ेगा। बट मेरे को नहीं लगता कि रीजन हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर जिस हिसाब से मैं खेल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं दो दो दिन ऑफ रहता हूँ, मतलब मैं खेल नहीं पाता बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया था। और आई थिंक यहाँ पर जितने सब्सक्राइबर्स है मेरे, उन सब के एग्जाम्स चल रहे होंगे। सो आई होप तुम्हारे एग्जाम्स बढ़िया जा रहे होंगे। एंड तुम्हारे एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी यहाँ पर मैं अपने एग्जाम्स का तो कुछ कह नहीं सकता, बट यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरी अभी करंट रैंक जो कि है 4000 करके कुछ। अब मेरे को नहीं पता कि मैं यहाँ पर कहाँ पे हूँ, मतलब रीजन में मैं 4000 बंदों में। सो यानी कि अभी तो ग्रैंड मास्टर आया था, एक बार फिर से मेरे को एलाइट मास्टर डाल दिया था, बट फिर से मैंने प्लस करके ग्रैंड मास्टर कर लिया। बट यहाँ पर देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर पहला मैच स्टार्ट होता है और मैं सीधा यहाँ पर इस वाले राउंड में ऊपर एक साइड आ जाता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ से बंदे दिखते हैं। एंड यहाँ पर पहला गया 10 का डैमेज, बट ज्यादा डैमेज तो नहीं है। देखते कहाँ पर है बंदा, एंड शायद से घर के अंदर आ रहा था। और यहाँ पर सामने की साइड ही है क्या, हेडशॉट जाएगा? नहीं, हेडशॉट तो नहीं लगेगा। यहाँ से देखते किधर की साइड है, वहाँ पे सामने की साइड होता है, बट मेरा डैमेज जा नहीं रहा था तो मैं अंदर आ जाता हूँ। मेरी हेल्थ काफी डैमेज थी तो मेरे को यहाँ पर ब्लॉकर पड़ा और मैं सीधा मर गया यहाँ पे। बट कोई नहीं, यहाँ पर देखते क्या होता है, रिवाइव मिलेगा। इसने इसको भी मार दिया भाई, बनी को भी खत्म किया। एंड अब शायद से मैं भी खत्म हो जाऊंगा, एंड ये राउंड शायद से हम हारेंगे। बताओ, एंड वो राउंड हम लोग हार ही गए थे, बट यहाँ पर कोई नहीं, देखते इस राउंड में क्या होता है, बिकॉज सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और सामने अच्छे बंदे हैं, मतलब पीसी प्लेयर्स होंगे शायद से, अब पीसी होंगे बिकॉज हमारे सामने तो पीसी आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो पहले ही डैमेज पड़ चुका है मेरे को। एंड यहाँ पर सामने की साइड एक बंदा है, देखते हैं इसको क्या हेडशॉट लगेगा। इसको क्या हेडशॉट तो नहीं लगेगा, मतलब हेडशॉट तो नहीं लगा यहाँ पर, बट देखते हैं किधर की साइड है दूसरा वाला। और सामने की तरफ एक बंदा होता है तो मैं नेट उठा लेता हूँ सबसे पहले तो। एंड यहाँ पर क्या ग्रेनेड जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाएगा, और भाई गोल यहाँ पे, क्या नेट लगा मतलब। और दूसरा बंदा वन टैप हेडशॉट, इसको भी खत्म करा। एंड यहाँ पर अब देखते हैं कहाँ गया दूसरा बंदा, बिकॉज यहाँ पर दो तो मैंने नॉक ले लिया है और एक तो शायद मेरा टीममेट नॉक ले लेगा। एंड यहाँ पर दो तो मैंने खत्म करे जबकि हमारे पास गन भी नहीं थी। एंड यहाँ पर इधर की साइड पे फाइट हो रही होती है और ये बंदा स्किल ब्लॉक, और भाई क्या मारा इसने, मतलब अच्छी गन थी इसके पास, इस वजह से बच गया। बट कोई नहीं, यहाँ पर देखते हैं ये भी खत्म। एंड इसी के साथ ये राउंड हम विन कर जाते हैं। क्या बात है। अब इस वाले राउंड में क्या होता है, वाइट सबसे पहले नॉक लेता है, मैं उसको क्लियर करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे। एंड देखते हैं सामने की तरफ है, यहाँ पर हेडशॉट पड़ जाता है भाई, ये सामने ही होता है, शायद ईडब्ल्यू मारा या हेडशॉट मारा पता नहीं, बट ये वाला राउंड में इस तरीके से नॉक होता है। एंड यहाँ पर मैं कुछ काम भी कर रहा था, बट कोई नहीं, देखते बनी क्या करता है। एंड बनी ने कुछ नहीं करा, मतलब बनी यहाँ नॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये राउंड भी हम हार गए। अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, बिकॉज अब तो हमें जीतना है, बिकॉज दो राउंड बहुत जीत गए लोग। और तो इस वाले राउंड में मैं सीधा जाके ग्रेनेड उठा लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर सामने की तरफ ही बंदे हैं। एंड यहाँ पर मेरे ऊपर फायर तो आया, बट यहाँ पर नेट जाएगा क्या, किसी को डैमेज नहीं आया, शायद सामने एक बंदा है, सामने ही था एक। एंड यहाँ पर काफी डैमेज दिया इसने मेरे को, स्किल ब्लॉक। एंड भाई मैं कूद के जल्दी से इसको खत्म कर दिया, मेरे को भी खत्म कर दिया था सोनिया बना के, बट कोई नहीं, यहाँ पर अभी देखते हैं क्या होता है, क्या रिवाइव मिलेगा मेरे को। एंड यहाँ पर बनी आता है, एंड यहाँ पर मैं रिवाइव हो गया, ठीक है। और सामने की तरफ ही बंदा था, दो बंदे थे, अभी भी 3v2 सिचुएशन है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मैं इसको खत्म कर पाऊंगा, अंदर की साइड ही है। एंड एक बंदा तो नहीं दिख रहा, एक बंदा तो अंदर ही है। एंड एक बंदा सीधा मेरे पीछे आ जाता है और सीधा देखो सामने ही AW मार दी इसने। भाई बहुत गंदा AW मारा इसने, बस एक गोली और लगती तो मैं खत्म हो जाता, बट यहाँ पर मैं बच गया किसी तरह। जोन ना लगे भाई, बस जोन, यहाँ पर मैं जोन से ही बच गया, बट यहाँ पर दो बंदे फाइट ले रहे थे तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ यहाँ पे। एंड इसी के साथ ये राउंड भी हम विन करते हैं, और इसमें मेरा योगदान था एक किल का। बट अब देखते हैं नेक्स्ट वाले राउंड में क्या होता है, राउंड 5 स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सीधे सामने की तरफ एक बंदा नॉक है, एंड सबकी लोकेशन तो आ गई बिकॉज एक बंदा तो क्लियर हो चुका है। और एक और नॉक यहाँ पे, क्या नेट जाएगा, क्या यहाँ पर नेट जाएगा, एक बार भी जाना चाहिए बट गया नहीं। यहाँ पे देखते क्या होता है, यहीं पे बंदा है। एंड मेरे मारने से पहले मेरे टीममेट ने इसको खत्म कर दिया। एंड अब लास्ट वाला बंदा किधर है दिख तो नहीं रहा, इसको क्लियर ले सबसे पहले तो, और शायद से यहीं पे अंदर की साइड पर ही खत्म, पता भी नहीं लगा किसने मारा, बट यहाँ पर शायद से बनी ने खत्म किया है। एंड यहाँ पर MVP कौन है भाई, रश के कमर, क्या नाम है इसका, मतलब क्या ही नाम है इसका। बट कोई नहीं, इस वाले राउंड में देखते क्या होता है, लास्ट राउंड है शायद से, एंड यहाँ पर सेकंड लास्ट राउंड है। एंड नेट से नॉक आएगा कोई, हाँ नेट से तो नॉक आया, अब आधा काम तो हो गया। एंड यहाँ पर देखते क्या होता है, एक बंदा तो क्लियर हो चुका है, एक बंदा नॉक भी है, और पीछे की साइड भी है क्या कोई, पीछे भी शायद से है। और यहाँ पर ये भी गया, और लास्ट वाला बंदा किधर है, लास्ट शायद से नीचे की साइड है।
एंड यहाँ पर इसको क्लियर लेते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पर नीचे की साइड देखना कहाँ पे है, व्हाइट के सामने है। एंड यहाँ पर व्हाइट के सामने मेरे को लगा व्हाइट मार देगा, बट यहाँ पर किल का चांस तो बनता है, तो चलते एक बार देखते किल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसा कि मेरे को लगा था कि वो बंदा नॉक कर देगा, और उसने नॉक कर दिया, बट स्किल ब्लॉक और शायद से एक ही गोली का था भाई, एक ही गोली में यहाँ पर खत्म। एंड इसी के साथ ये राउंड हम जीत चुके हैं, पूरा मैच जीत चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने का प्लस होता है। 105 स्टार अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट मैच में आ जाते हैं हम। और यहाँ पे हेडशॉट, और ये पहला बंदा नॉक, और अब दूसरा की तरह शायद से दूसरा तो नॉक ही है। एंड यहाँ पर दो बंदे बचे हुए हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पर मैंने हील तो करा, एंड देखते सामने की तरफ है, हेडशॉट जाएगा क्या? नहीं, अभी हेडशॉट पंगे लेना गलत है, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं मर गया तो कुछ भी हो सकता है। शायद सामने की तरफ है, और यहाँ पर एक बंदा, इसने इसको नॉक लिया। एंड मेरी एचपी पे वन टैप दे दिया इसने, बहुत जल्दी वन टैप दिया किससे? हमारे उसके पास भी जियो नेट है। एंड भाई क्या मार रहा था ये, मैंने सोचा हेड ले लूंगा, बट यहाँ पर ये क्या हुआ, ओपन हो गया भाई, और मेरी वजह से ये राउंड भी हार गया, बिकॉज वो बंदा तो कुछ कर नहीं पाया। आप देखो रैंडम बंदे तो यार मतलब भरोसा तो कर ही नहीं सकते, इस हिसाब से गलती तो मेरी थी, मैं मानता हूँ यहाँ पर गलती मेरी थी, बट देखते हैं क्या होता है। सामने भी अच्छे बंदे हैं, एंड ये वाले राउंड में सीधा सामने आता है, और भाई क्या नॉक जाएगा, और किल चोरी हो गई, बट कोई नहीं, यहाँ पर मैं नॉक तो ले लेता, बट यहाँ पर किल चोरी हो गई, और सामने की तरफ ही बंदे, यहाँ पर देखते हैं होता क्या है। एंड सामने की साइड ही एक बंदा था, और अभी तो ये डैमेज इसके साथ डैमेज आया, बट यहाँ पर सामने नहीं जाना, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं सामने गया तो ये लोग मेरे को काफ़ी इजी मार देंगे, जैसा कि तुम्हें पता है कि ये लोग कैंप करके बैठे होते हैं। अगर भाई तुम्हें मतलब कभी लगे कि कैंप नहीं करते तो तुम ट्राई कर लेना, लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं जाऊँगा, बिकॉज मेरे को पता है मैं बहुत बार पिटा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सजेस्ट करता हूँ कि मत जाना ऐसी जगह। बाकी पीछे से पड़ती है भाई, और पता भी नहीं लगा कैसे मारा, बट क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे कैंपर्स मार ही देते हैं, बट कोई नहीं, इसने तो क्लियर कर दिया। एंड पहला राउंड हम जीत चुके हैं, और ये राउंड जीतने के बाद हम सेकंड राउंड में आते हैं, और यहाँ पर ये बंदा काफी डैमेज था, तो मेरे नेट से ही नॉक हो गया। और यहाँ पर एक सामने और एक लेफ्ट में है, और मेरे सामने मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, और लेफ्ट से भी पड़ रही थी, तो मेरे को देखना पड़ेगा। और वो देखो मल्टी विंडो से मार रहा है वो बंदा। एंड यहाँ पर ये बंदा है, इससे पहले कुछ हो मैंने जल्दी से रश मार दिया था इसके ऊपर, बिकॉज मेरे को पता था कि वहाँ से लेफ्ट से पड़ जाएगी। एंड यहाँ पर थोड़ी देर बाद जोन छोटा होता है, सो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर सामने डबल डोर में ही दो बंदे हैं, एक तो मल्टी विंडो से आ सकता है, बट यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि डबल डोर में बंदे हो सकते हैं, सो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। गुड क्वेश्चन। एंड थोड़ी देर बाद जोन और छोटा होता है, एंड श्रिंक हो रहा होता है। बाकी यहाँ पर हेडशॉट, भाई क्या खत्म किया इसको मैंने हेडशॉट से, एंड साइड से मेरे वो बंदा यहाँ पे मेरे को मार रहा था, बट यहाँ पर लगता है मेरा एस होने वाला है यहाँ पे, क्या पता मेरा एस हो सकता है, बट यहाँ पर देखने वाली बात है मेरा टीममेट मेरे को किल देगा कि नहीं। एंड यहाँ पर भाई ये जाता है, एंड इसको खत्म कर दिया, बट कोई नहीं, यहाँ पर ये राउंड हम जीत जाते हैं। एंड इसके साथ देखते हैं क्या होता है, बिकॉज इस वाले राउंड में हम मतलब बहुत आगे आते हैं। एंड यहाँ पर ये रश, इसने भाई यहाँ पर बिना देखे रश कर दिया एकदम, एंड मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। सो मैं जल्दी से वॉल पैक करता हूँ ताकि कोई ना आए, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में ना बहुत बार नेड आते हैं, एंड यहाँ पर मतलब घुस जाते हैं वो लोग तत्सुया लगा के, बट यहाँ पर तुम लोग कवर कर लोगे तो काफ़ी ईजी रहेगा जीतना। एंड यहाँ पर मैंने पहला तो नॉक ले लिया है, अब देखते हैं दूसरे बंदे किधर है, और यहाँ पर मैं उसको मार रहा होता हूँ जब तक मेरे को यहाँ से पड़ जाती है, और पता भी नहीं लगता कि कैसे मरा, बट यहाँ पर मैं मर चुका हूँ। एंड यहाँ पर 3v2 है, सॉरी 2v3 है, नहीं 2v2 है। यहाँ पर एक बंदा किधर है, एक तो वहाँ पे है, एंड एक लास्ट बंदा किधर है, ये आया यहाँ पर मेरे सामने से, एंड इसको भी खत्म। एंड इसी के साथ ये राउंड भी हम जीत जाते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट होता है अपना फिफ्थ राउंड, एंड शायद से लास्ट राउंड होगा, बिकॉज यहाँ पर अब कमबैक करने का मौका तो नहीं देना सामने वालों को। एंड यहाँ पर मैंने ले रखी है बाइजन, अंदर की साइड बंदे हैं, एंड यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, क्या मेरे को किल मिलेगा यहाँ पे। स्किल ब्लॉक दो बंदों की, काफी डैमेज है यहाँ पे। एंड यहाँ पर शायद से ये भी नॉक होने वाला है, पीछे की साइड से कोई ना मारे इसलिए मैं इधर की साइड आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर सीधा नीचे, बिकॉज शायद से कोई नीचे हो सकता है, एंड नीचे की साइड कोई बंदा है क्या, ये अंदर की साइड होता है, बट इसको भी ये लोग किल कर देते हैं। एंड मेरे को भाई एक भी किल नहीं मिलेगा क्या यहाँ पे, लास्ट वाला किल पता नहीं किधर की साइड है, शायद से ऊपर ही घर में बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए एक बार इधर की साइड आता हूँ। एंड मेरे को पता लगता है कि वो बंदा अभी भी ऊपर बैठा हुआ है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या किल मिलेगा मेरे को। एंड ऊपर की साइड में आता हूँ, वैसे मेरे को डैमेज पड़ता है, और पता नहीं कैसे मारा, बट भाई इसने मेरे को खत्म कर दिया भाई, कसम से मेरे को एक भी किल नहीं मिला इस राउंड में। एंड यहाँ पर ये दोनों बंदे नूबड़ों की तरह, भाई नूबड़ों की तरह मार दिया इसको। एंड इसी के साथ ये मैच हम जीत जाते हैं, एंड देखते हैं प्लस कितने का है, 106 से 107। और
वहाँ पर वो मैच खत्म होते हैं, हम सेकेंड मैच पे आते हैं और यहाँ पर 3 किल हो चुके हैं पहले ही राउंड में। एंड क्या एस होगा मेरा? यहाँ पर एस तो नहीं होता बिकॉज किल चोरी हो जाती है। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो बैक टू बैक एक्शन, यानी कि यहाँ पर बिना रुके मैचेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर ये राउंड में क्या नेट जाएगा, ये सेकेंड राउंड होता है एंड गया ग्रेनेड, ये नॉक। एंड देखते सामने की तरफ, ये तो एक बंदा तो इधर की साइड है, शायद सी भी नॉक है। एंड यहाँ पर एक ही बंदा है एंड यहाँ पर ये भी नॉक। अब देखो पहला राउंड जीतोगे ना तो दूसरा राउंड जीतना काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज सामने वाले के पास गन तो होते नहीं और तुम्हारे पास गन होगा, एडवांटेज होगा और तुम बहुत ईजी मारोगे। जैसे कि यहाँ पर हम खत्म कर, यहाँ पर इस बंदे ने अच्छी कोशिश करी बट यहाँ पर उसके पास डेजर्ट ही गलती है और यहाँ पर बाइजन, तो यहाँ पर हम ही जीतेंगे, वो तो पता था मेरे को। ये वाले राउंड में पता नहीं क्या होता है, मेरा नेट नहीं जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो सामने की तरफ ये, यहाँ पर पहला नॉक एंड दूसरा बंदा शायद से पीछे की साइड से ना घूम के आया, तो देखते हैं कहाँ पर है। 3 बंदे हैं सामने की तरफ, मगर क्यों पता नहीं सामने किधर है, बट यहाँ पर मेरे सामने आता है एंड बहुत जल्दी खत्म करा मैंने इसको। और ये वाला राउंड भी हम निकाल लेते हैं एंड अब इस वाले राउंड में हम सीधा रश कर देते हैं बिकॉज यहाँ पर ये बंदे तो बहुत कैम्प कर रहे थे। एंड पहला नॉक, क्या बात है, चलिए दूसरा भी यहीं पे है, ये भी नॉक गया। एंड यहाँ पर तीसरा बंदा क्या, कहाँ की साइड है तीसरा बंदा, आर्यन भी नॉक हो चुका है, यानी कि यहाँ पर टफ फाइट मिली है, सारे नॉक है भाई, सिर्फ बनी बचा हुआ है। और शायद तो मेरा एस हो सकता है बट यहाँ पर मेरे मारने से पहले बनी ने खत्म करा और इसी के साथ ये राउंड हम जीत जाते हैं और 107 से 108 स्टार हो जाते हैं हमारे। क्या बात है। अब यहाँ पर ये वाले मैच में अच्छे बंदे आए थे और ये गया पहला नॉक, शायद से नॉक होने वाला है और यहाँ पर नॉक तो हो चुका है बट देखते हैं, पहला बंदा तो नॉक है बट दूसरा बंदा किधर है, ऊपर की साइड स्किल ब्लॉक, स्किल तो नहीं ब्लॉक हुई शायद से, यहाँ पर देखते क्या होता है। ड्रॉप से मेरे को नेट मिलेगा क्या, यहाँ पर मैं ड्रॉप से ग्रेनेड उठाता हूँ और यहाँ पर देखते क्या है, सामने ही बंदा है। 3-2-1 एंड यहाँ पर शायद से गया और जाते यहाँ पर ये भी खत्म और इसी के साथ ये राउंड भी हम विन करते हैं एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास AK-47 थी और एक बंदा है भाई, इसने सोनिया तो बनाया था बट कोई नहीं, यहाँ पर इसको क्लियर लेते हैं जल्दी से। एंड यहाँ पर हेडशॉट के साथ ये भी नॉक एंड 2 बंदे नॉक हो चुके हैं वहाँ पे। अब यहाँ पर शायद से यहाँ पर हम रश कर सकते हैं, वहाँ पे कोई है क्या, वहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा बट शायद से मेरे को रश करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर काफ़ी कम टाइम है। एंड रश करते टाइम वहाँ पर टीम मेट ने खत्म कर दिया और ये राउंड भी हम विन करते हैं। एंड ये वाले राउंड में देखते क्या होता है, ये क्या पहला बंदा नॉक तो नहीं हुआ, अभी भी सामने वाले घर में 2 बंदे हैं। एंड यहाँ पर देखते क्या होता है बिकॉज मेरे पास एक नेड है, बाप रे क्या ही तो शॉट मारा मतलब उसने मेरे में, बट यहाँ पर देखते ये वाले राउंड में क्या होता है। और यहाँ पर मैं यहीं पे बैठा होता हूँ, नहीं, 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 नहीं। पता नहीं कहाँ से आता है, मेरे को पता ही नहीं लगता। और भाई जल्दी से इसने खत्म किया, क्लियर भी ले लिया मेरे को यहाँ पर। अब सद्दाम देखते कुछ कर पाएगा कि नहीं, यहाँ पर मेरे टीममेट कुछ कर पाएंगे कि नहीं बिकॉज कुछ तो होने वाला है शायद से। ये गया पहला नॉक, दूसरा नॉक एंड यहाँ पर 2 नॉक होने के बाद सद्दाम ट्राई करता है रिवाइव करने का बट यहाँ पर रिवाइव करते टाइम पीछे से बंदा आता है और ये भी गया और बनी है शायद से पीछे। एंड यहाँ पर दिखते बनी क्या करता है, बनी अकेला क्या करेगा, 1v2 है शायद से, यहाँ पर बनी कुछ कर सकता है। ये तो गया पहला नॉक और ये नॉक हो चुका है। अब दूसरा बंदा देखते कहाँ की साइड है, शायद से यहाँ पर ऊपर से ना आए, बस यहाँ पर मेडिकेट कर ही रहा होता है बनी एंड यहाँ पर वो सीधा ऊपर से ही कूदता है। अरे दादा रे, गलत वॉल की वजह से वो राउंड भी हम हार जाते हैं बट यहाँ पर देखते हैं इस वाले राउंड में क्या होता है। नहीं, 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 नहीं। पहला नॉक तो करा बट मैं भी नॉक हो जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आर्यन मेरे साथ है, सो देखते हैं क्या होता है। एक बंदा तो नॉक है, अब यहाँ पर शायद से 2 ही बंदे है एंड कोई अंदर की साइड ना है जब तक मैं हील कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखते हैं किधर की साइड बंदे हैं बिकॉज 3v3 सिचुएशन है एंड यहाँ पर बस मेरे को नॉक नहीं देना बिकॉज यहाँ पर अगर कोई नॉक हुआ तो उसकी टीम हार जाएगी। और यहाँ पर सामने की साइड ये गया पहला नॉक, क्लियर बाप रे। यहाँ पर मेरा एम अटक जाता है बिकॉज मेरे हाथ में शॉटगन थी, अगर मेरे पास UMP होती या फिर कोई SMG गन होती तो शायद मैं मार सकता था बट आर्यन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा किल करा इसको एंड यहाँ पर तीसरा राउंड भी हम जीत जाते हैं। और देखते हैं अब लास्ट वाले राउंड में क्या होता है, शायद से सेकंड लास्ट राउंड है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है शायद से, हाँ यहाँ पर एक ही बंदा है एंड वो कहाँ पे है पता नहीं, वो शायद से ऊपर की साइड, अंदर की साइड है शायद से, ऊपर हो सकता है
क्या यहाँ पर ऊपर की साइड बंदा बैठा हुआ है और शायद से ऊपर ही है। देखते क्या होता है, क्या नेट जाएगा मेरा यहाँ से? यहाँ से तो नहीं जाएगा, ऊपर से जाएगा। मैं होल्ड डालता हूँ जल्दी से एंड एक बार नेट कुक करते हैं, देखते क्या होता है। आर्यन नॉक को सोनिया बना दिया, बट कोई नहीं, यहाँ पर नेट का डैमेज तो पड़ा, सोनिया बन गया शायद से। अब यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म, और अब मेरे को लगता है किल चोरी होगी। इससे पहले किल चोरी हो यहाँ पे किल उठाते हैं, और इसी के साथ हम पूरा राउंड विन करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।